संयुक्ता, तुमने अचानक यहाँ क्यों बुलाया? अब मैंने अपना घर छोड़ दिया है, जॉब भी नहीं रही और मेरा विजय से भी ब्रेकअप हो गया है। ये तुम क्या कह रही हो? पर क्यों? खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। खुद का बिजनेस? पर कैसा? चाय, वो भी इंडियन चाय। इंडिया में चाय पेट्रोल की तरह है। जब तक वो चाय की चुस्की नहीं ले लेते, उनका दिन शुरू नहीं होता। खुशी में और फिक्र में, दुख में, डर में, गुस्से में, चिढ़ में, चाहे मौका कोई भी हो, चाय उनकी असली साथी होती है। लेकिन इस देश के लोग चाय का मजा क्या जाने? इन्होंने तो बचपन से सिर्फ और सिर्फ कॉफी पी है। उन्हें चाय पीने के लिए मजबूर करना है, और इसके लिए तुम लोगों की मदद चाहिए। मतलब तुम चाहते हो हम सब मिलकर चाय बेचे? कॉफी डे के दिन ये लोग हद से महंगी कॉफी बेचते हैं। अगर ये लोग कॉफी बेच सकते हैं तो हम लोग चाय क्यों नहीं? कम ऑन संयुक्ता, स्टॉप जोकिंग। बिजनेस के लिए प्लानिंग चाहिए, कोई मजाक नहीं है ये। ये सच में बहुत बड़ा रिस्क है संयुक्ता। अगर ये आइडिया नहीं क्लिक हुआ तो हमारी मेहनत, पैसा और टाइम सब वेस्ट हो जाएगा। जब भी कोई इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है उसमें रिस्क तो होती ही है ना। अगर रिस्क नहीं तो सक्सेस भी नहीं। यही तो बिजनेस है ना। बिना रिस्क से जो हासिल होता है वो टिकता नहीं है। I'm sorry संयुक्ता, मुझसे नहीं होगा। Chai? What's chai? A chai is Indian tea. A cup of chai makes everything no, thank better. You. Hey! Would you like to have some chai? Not interested. It's Indian tea. Hi, would you like to have some chai? Try this. No. Hey, would you like to have some chai? Indian tea. No. Hi, would you like to have some chai? What chai? A chai is Indian tea. You'll love it. Superb. I like it. Thank you so much. You don't have required permission to sell here. Get out right now. Remove it. Sir, I'm not doing Remove any mischief. It. I'm just making tea. Sir, please understand, sir, please. No, I can't help sir, it. Sorry. Sir, please, Sorry. Sir. Please. Sir, please. Please come understand, with me. Sir. I'm not doing any mischief. Please, sir. Chalo, ma. If you can give me 25 yards of your space, I can give you 25% cut from my profits. No, I'm sorry. Thank you. All right. So, if you can give me 30 yard space in your hotel, I can give you 30% cut of my profits. No, I'm sorry. But you can meet Kailash. He is the owner and founder of the KSK Coffee Chain group of companies. He's also an Indian. Maybe he can help you. Thank you. Okay. Yes, may I help you? Hi. I would like to meet the MD, Mr. Kailash. But do you have an appointment? No. Sorry, ma'am, it's not possible. Just tell him he might miss an opportunity if he doesn't meet me. Wait a second. Sir, well, she says that you are going to miss an opportunity if you don't meet her. Ek din is mukam par zarur pahunchungi. Okay. Sure, sir. Please wait in the hallway. Thank you. Hi. Hello. किससे मिलना है आपको? अरे, आप तो पूरे अमेरिकन दिखते हैं लेकिन इंडियन हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है या कंप्लेंट? कॉम्प्लीमेंट है सर, जैसा देश वैसा भेस, मेरे दादाजी हमेशा कहते थे। खैर, अब तक तुमने बताया नहीं कि तुम्हें किससे मिलना है। कैलाश शिवकुमार,
वही जो इस कंपनी के एमडी हैं, वैसे वो भी इंडियन ही हैं। उनसे मिलने की कोई खास वजह? बिजनेस प्रपोजल। ओह, तुम्हारा उनके साथ अपॉइंटमेंट है? रिसेप्शनिस्ट भी यही पूछ रही थी, क्या करें, लोगों से मिलने के लिए कितनी फॉर्मेलिटीज होती हैं। रोलेक्स वॉच, पॉलिश्ड शूज, स्मार्ट ड्रेस। वैसे आपको देखकर लगता है आप भी किसी से मिलने ही आए हैं यहाँ पर। अपॉइंटमेंट है आपका? कैलाश को कैलाश से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत? केस के कॉफी चेन के ओनर एंड फाउंडर और ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक, 3 बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड्स के विनर, अमेरिकन एंटरप्रेनर की टॉप लिस्ट में सिर्फ एक इंडियन। एक और बात, तुम अपनी पूरी जिंदगी में इतने बिजी आदमी से कभी नहीं मिले होगी। कैलाश शिवकुमार। अपॉइंटमेंट एक छोटा सा नियम है सिर्फ इसके लिए ताकि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अपना कीमती समय फुर्सत से निकाल सके। खैर, बाहर तुमने कहा कि तुमसे नहीं मिला तो मैं एक सुनहरा मौका खो दूंगा, लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि मौका और अपॉइंटमेंट किसी खूबसूरत लड़की से मिलने के लिए जरूरी नहीं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वेलकम। मानसा संयुक्ता। नाइस डे। कंग्रेचुलेशंस इस एम्पायर के लिए, और थैंक्स कि आप यंग लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हैं। संयुक्ता, मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरी जिंदगी एक राज की तरह हो। कभी सोचा नहीं था कि ये औरों के लिए मिसाल बनेगी। लोगों को सोचना चाहिए कि एक इंडियन अमेरिकन से इतना कामयाब कैसे हो सकता है। मेहनती लोगों के लिए मेरी जिंदगी कोई मिसाल नहीं होनी चाहिए, मेरी जिंदगी उन लोगों के लिए भी मिसाल होनी चाहिए जो कड़ी मेहनत से उस मुकाम पर पहुंचे जहां आज मैं हूं। खैर, तुम्हारा बिजनेस प्लान क्या है? आपकी कॉफी शॉप में मेरी चाय को जगह मिल जाए तो हम दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। तुम्हारे प्रोडक्ट से ज्यादा मुझे तुम्हारा प्रेजेंटेशन पसंद आया। दो चीजें हमेशा याद रखना, संयुक्ता और कैलाश तो पार्टनर बन सकते हैं लेकिन चाय और कॉफी कभी दोस्त नहीं हो सकते। नंबर टू, अमेरिका की जमीन कॉफी की तलबगार है, चाय के लिए कोई जगह नहीं, और यही तो जगह बनाने का अच्छा मौका है। जिन्हें अपना माल बेचना होता है वो मौके से ज्यादा जरूरत पर ध्यान देते हैं संयुक्ता। यहां कोई भी चाय पसंद नहीं करता, लोग मेरी कॉफी पसंद करते हैं। मेरी कॉफी से लोगों को रिलीफ मिलता है। माफी चाहूंगी पर अब तक अमेरिका में जिन्होंने भी मेरी चाय पी है उन्होंने कहा है कि वो कॉफी से 10 times बेटर रिलीफ देती है। कॉम्प्लीमेंट है सर। What? लोग एक साउथ इंडियन लड़की के हाथ की चाय को कॉफी से बेहतर कैसे समझ सकते हैं? वेरी फनी। आप चाहे तो फनी कह सकते हैं सर, पर क्या करें, सच तो यही है। उन्होंने मुझसे वही कहा जो उन्होंने महसूस किया। चाहे तो आपके लिए भी बना सकती हूँ, टेस्ट करना चाहेंगे? जरूर करूंगा, पर अभी नहीं। जब तुम अपना बिजनेस शुरू कर दोगे और मेरे मुकाम पर पहुंच जाओगी उस वक्त। श्योर, मैं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी, अपनी जी जान लगा दूंगी सर। इसलिए बिल्कुल नहीं कि आपको हरा सकूं, बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए, और वो तो मैं करके रहूंगी। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए कभी मुश्किल ना बन। तुम्हारे लिए $1,000 का चेक तुम्हारे ऊपरी खर्चे के काम आएंगे। मुझे तुम्हारी चाय का इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल। $1,000 शायद आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन इससे मेरा सफर शुरू हो चुका है।